की मोदी सरकार और उत्तर प्रदेश योगी की सरकार लाख कानून व्यवस्था सुधारने की बात कर ले, लेकिन सरकार के कुछ पुलिस अधिकारी ही सरकार की नीतियों पर पलीता लगाते नजर आ रहे हैं। जी हां, ताजा मामला उत्तर प्रदेश के जिला मुरादाबाद जनपद थाना मुंडा पांडे क्षेत्र के दलपतपुर तिराहे से सामने आ रहा है, जहां रोड पर 8 से 14 साल के मासूम बच्चे ई रिक्शा चलाते नजर आ रहे हैं। उसमें बैठी सवारी मौत का सफर तय करने को मजबूर है, जिसमें थाना मुंडा पांडे पुलिस ई रिक्शा चला रहे हैं। मासूम बच्चों पर कोई भी अभियान या चेकिंग अभियान नहीं चला पा रही है, जिसमें पुलिस के कार्य प्रणाली पर भी सवाल खड़ा होता है, जिसमें साफ तौर से कहा जा सकता है कि यह सब पुलिस की लापरवाही की वजह से यह मासूम बच्चे रोड पर ई रिक्शा दौड़ा रहे हैं। आखिर यह मौत का सफर कब तक पुलिस चलवाती रहेगी? साफ तौर से तस्वीरें बयां कर रही हैं कि इस उम्र में उन मासूम बच्चों के हाथों में किताबें होनी चाहिए थी, लेकिन पुलिस की बड़ी लापरवाही और मौजूदगी में कुछ बच्चे पढ़ाई को छोड़ इस उम्र में महंगे शौक पूरे करने के लिए ई रिक्शा दौड़ा रहे हैं। मासूम के ई रिक्शा चलाने से हो सकता है कोई भी बड़ा हादसा। क्या मुरादाबाद प्रशासन या थाना मुंडा पांडे पुलिस किसी बड़े हादसे के इंतजार में है? वहीं दूसरी ओर दलपतपुर से ही मौत का दूसरा सफल भी चलता है, जिसे कहते हैं तीन पहिया टेम्पो। वह तीन पहिया टेम्पो राहगीरों को दलपतपुर से टांग कर कानपुर तिराहे तक मौत का सफर तय कराते हुए ले जाते हैं, जिसमें मुंडा पांडे थाना क्षेत्र पुलिस अनदेखी कर रही है और बड़े हादसे के इंतजार में है। इन वाहनों पर कोई भी पुलिस रोक नहीं लगा पा रही है, जिससे यात्रियों को अपनी जान जोखिम में डालकर सफर तय करना पड़ रहा है। आखिर यह कब तक इसी तरह चलता रहेगा, या फिर मुरादाबाद का प्रशासन मौत के सफर को रोकने के लिए कोई मुहिम चलाएगा, या फिर यूं ही पुलिस की अनदेखी की मौजूदगी में यह सब चलता रहेगा? आखिर क्यों मुरादाबाद का प्रशासन इस मौत के सफर को अनदेखा समझ रहा है? अब देखने वाली बात यह होगी कि प्रशासन रोड पर दौड़ा रहे ई रिक्शा, 8 साल के मासूम बच्चे और तीन पहिया टेम्पो पर चेकिंग अभियान चलाता है या नहीं। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रईस है, काम करता हूँ। अच्छा अच्छा, ये जो बच्चे ऑटो चला रहे हैं दलपतपुर अड्डे पे, कौन चलवाता है इसे, क्या है? भाई, माँ बाप खरीद के देते हैं, वो चलाते हैं बच्चे, उनकी क्या गलती है बेचारों की? एक्सीडेंट हो जाए तो फिर बाद में छोटा में बोले यार हमारा बच्चा, हमने दे दिया काम पे। अरे 15 साल का, 18 साल का, 16 साल का, 14 साल का है, 10 साल तक, 12 साल तक के अलग लड़के हैं चला रहे हैं, 10 साल का कोई नहीं है। इसमें तो बहुत हो गई भैया, इसमें कम से कम 15-20 हो गई। अच्छा, क्या पुलिस प्रशासन इसको कोई गौर नहीं दे रही, बतेरा क्या शिकायतें पहुँची है, किसकी लापरवाही समझते हैं सब? ये तो भाई पुलिस वालों के पास जाओ तो बोले यार गरीब आदमी है। अच्छा, और किसी से शिकायत करो तो बोले गरीब आदमी है यार, इधर कहते कहते करके तो इन्होंने दिया, मगर ये जमींदार जो जमीन ले लेके बेच के और क्या लेके दे रहे हैं बच्चों को। अच्छा, क्या चाहते हो आप? अरे भाई हम क्या चाह रहे हैं, हम तो यही चाह रहे हैं कोई बड़ा आदमी चलावे, बच्चों को दे भी ना रिक्शा। अभी वही चोरी से ज्यादा चल रही है, चोरी वाली ज्यादा चल रही है। किसी पुलिस अधिकारी ने कभी इस चीज पर अभियान चलाया यहाँ अड्डे पे? चलाया था मगर उसकी चली नहीं, कभी तो कोई पत्रकार पहुंच जाए तो कभी कोई शिकायत लेकर पहुंच जाए। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air condition, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।